कश्मीर की निशानी है संदीप सर को पेश। उमर फयास आइए एआरटीओ साहिबा बहुत डाटा बेस्ड चीजें आप सबने देखी उस सब पर कैसे अमल पैरा होकर हमें एक बेहतरीन ट्रैफिक निजाम एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के साथ डिपार्टमेंट में ये छोटी मोटी एक कोशिश दिस मे बी अवर लास्ट सेशन बट बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन आई वांट टू अप्राइज अवर जेपी ग्रुप ही टोल्ड अस ऑन द सेकंड टू क्वांटिफाई एन एक्सीडेंट सर देखेंगे हमारे रिपोर्ट आई हैव लर्न टू दिस कोर्स सम इश्यूज दैट दिस इज द रिपोर्टिंग इज रॉन्ग देयर वाज फ्यू सेक्शंस एनी वहां पे कुछ सो हम हमेशा ड्राइवर को ही फॉलो करते हैं एविडेंस डाटा एंड सेड राइट I would say this is not a service they are rendering. It's a torture for them. हेलमेट के लिए चालान ना करे वो बंदा खुद अपना हेलमेट खुद लगाए खुद समझे जरूरत नहीं है ट्रैफिक पुलिस की हमें क्योंकि जब तक सोसाइटी खुद नहीं करेगी कोई रूल से हमने चालान बढ़ा के देख लिए we have a talent here we have people here who can run the issue हमारे ऑफिसर यहाँ निकल के किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हैं यू कैन यूज देयर टेक्निकल सर्विसेज जब आप WHO से कर सकते हैं जमीन हम देंगे आपको आप बना सकते हो एक स्टेट ऑफ आर्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे बाहर के लोग आके यहाँ रिसर्च करें वो हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा और हमारा इसको कहीं ना कहीं पाए तक मील तक पहुंचाने के लिए मैं अगला प्रोग्राम का निशस्त मोहतरम मुबशर जान साहब को दावत देना चाहूंगा कि वो डाइस को संभाले और बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट्स दैट दिस इज अबाउट वी कैन नॉट ब्लेम 85% ड्राइवर्स टू बी फॉल्टी ऑन द रोड दिस वुड बी अ डिजास्टर द रिपोर्टिंग इज रॉन्ग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन बिकॉज़ द पुलिस आई नो वहां पे उनका एक्ट ही है आरपीसी सीआरपीसी वी हैव दोस फ्यू सेक्शंस 279 302 303 304 है उसके बगैर हमारे पास है नहीं वहां पे कुछ सो हम हमेशा ड्राइवर को ही फॉल्टी बनाते हैं बट ड्यू टू द एडवेंट ऑफ एविडेंस आई वुड मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन सर मेरा एक सेशन था रिगार्डिंग ओवरव्यू ऑफ एमवीडी एंड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स उसमें मैंने बात की सर जो इंटरनेशनल लेवल पे व्हाट आर द इंटरवेंशंस डन एट इंटरनेशनल लेवल देन एट नेशनल लेवल एंड हाउ डू वी परसीव देम एट द स्टेट लेवल details of this program and I could see the beautifully curated sessions almost covering all the vital aspects of modern day needs of a transport department ek word mein define kare ki what is the way ahead main chahunga is pe fast changes hai dekhiye road safety ko leke hum transport department mein and as a government we are very much concerned about the increasing road accidents fatalities iske jo aapke social aur economic impacts hote hain to badkismati se humne generally dekha hai ki in road accidents mein wahi gareeb gurbaat hi baad mein involve hota hai to iske hawale se humne public mein bhi aur apne department mein bhi chahe transport department hai या हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है इसमें जितने भी नफरी हैं जो कंसर्न हैं जिनके पास ये रोड सेफ्टी के पावर्स हैं पहले उनको एजुकेट करना ज़रूरी है तो ये एक वर्कशॉप हमने किया था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट दिल्ली में है इनका हेडक्वार्टर और इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है मॉर्थ से मिनिस्ट्री से तो इनका ये मैंडेट है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या पब्लिक को ट्रेनिंग देते हैं रोड सेफ्टी को तो इस हवाले से हमने ये पिछले दिन तीन दिन से यहाँ एक वर्कशॉप चला जिसमें
हमारे ऑफिसर्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और आपके ट्रैफिक पुलिस से जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इस वर्कशॉप में शमूलियत की और एक्सपर्ट्स जो बाहर से आए थे उन्होंने एनलाइटन किया हमारे ऑफिसर्स को कि हमारी रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या हो रही हैं रोड सेफ्टी को लेकर। तो इनको सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि फील्ड में यही लोग पिवोटल होते हैं और इनको ही काम करना होता है। देखिए यही कंसर्न्स है ना हमारे, इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक तो ड्राइवर्स की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको सेंसिटाइज करना है कि ड्राइविंग के उसूल क्या हैं। फिर रोड्स की कंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत है उसी हिसाब से जिसमें ये फेटेलिटीज़ कम से कम हों, और साथ में लोगों के पास भी एक अवेयरनेस हो, वो भी अवेयर हों कि उनके अपने फ़राइज़ क्या हैं जब वो कहीं पैदल चलते हैं, फुटपाथ का इस्तेमाल करना है या कहीं पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना है। तो ये हम सब का एक कलेक्टिव एंडेवर होना चाहिए, आप लोगों को लेके, आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है इसमें। हमारा एक कलेक्टिव एंडेवर होना चाहिए कि हमें एक्सीडेंट्स के लिए यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस हो। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, मेरे पास गाड़ी है, 2 साल पहले मेरे पास गाड़ी थी, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, मैं इसकी ट्रांसफ़र ऑनरशिप नहीं करता। या हमने पीछे पब्लिक को अपील की थी क्या, जिस जिसके पास भी जो गाड़ी है हमने नंबर फ़ोन नंबर बदल दिए हैं। मेरा कोई पुराना नंबर चल रहा था, मेरी गाड़ी के साथ लिंक था, वो नंबर किसी और को अलॉट हुआ है, तो मैंने अपनी गाड़ी का यहाँ नंबर अपडेट नहीं किया है, तो उस वजह से चालानी के जो मैसेजेस हैं वो इधर उधर जाती हैं। आप बेसिक ओनर हैं गाड़ी के, आपने किसी को गाड़ी भेजी, उसने तीसरे बंदे को भेजी, तीसरे ने चौथे को भी भेजी है, उसके चालान आपको अभी आते हैं, आपको पता ही नहीं। ठीक है, एक ये है। दूसरा है कि मेरी अपनी गाड़ी है लेकिन उसमें फ़ोन नंबर मेरा पुराना है जो किसी और बंदे को एलोकेट हुआ है, तो इस वजह से जो मैसेजेज आ रही हैं ई चालान की, ये इधर उधर जा सकती हैं। और मैं रूल आउट नहीं करता हूँ, हम अभी इसमें नए हैं, हम ट्रांजिशन में हैं। जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ITMS, हमारे रेड लाइट्स पे जितने भी कैमरा लगे हुए हैं, हालांकि वो अभी फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ, बट टेस्ट केसेस हमने किए हैं, तो उसमें हमने देखा कि कुछ गलतियां अभी सॉफ्टवेयर में हो सकती हैं, आई डोंट रूल आउट, बट जैसे हम ये प्रैक्टिस में लाएंगे ये सिस्टम, तो हम उन गलतियों का भी ठीक कर लेंगे। एक तो हमने जब हम परमिट देते हैं, कमर्शियल परमिट्स गाड़ियों को देते हैं, उनमें हमने एक पहले ये ट्रेंड नहीं था कि उनमें हमने एक रेगुलेटरी रखा कि आपके वर्किंग आवर्स क्या क्या हैं। ठीक है, विल स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड क्लोज एज लेट एज पॉसिबल। विंटर में हमने देखा है कि हमारी जगह पे ट्रांसपोर्ट की खासतौर पे सुबह शाम में दिक्कत होती है। हम इसमें जितने भी प्रोएक्टिवली अभी से काम करते हैं, हमने यूनियन, जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सेंसिटाइज किया है, और हम एनफोर्समेंट भी देखेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ भी ऐसी शिकायत मौसूल होती है या हमारी नोट्स में आता है, तो हम फैसिलिटेट करेंगे लोगों को। मुझे लगता है ये पुरानी बातें हैं, अब हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हैं, टाइम बाउंड हैं। इनफैक्ट बहुत सारी सर्विसेज जहाँ हमने ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम से ऑटो सिक्योरिटी नहीं होती है कुछ चीज़ों की। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल कोई सर्विस है मुझे आपको देनी है जिसको लेके मुझे सिर्फ इंश्योरेंस चेक करना है या गाड़ी का फिटनेस चेक करना है, तो ये दोनों चीज़ें अगर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद हैं तो मैं आपको तकलीफ़ नहीं देता हूँ दफ्तर आने की। ठीक है, ये सिस्टम ऑटो चेक कर लेता है और ऑटो अप्रूवल पे चला, ये मेरे तक भी नहीं रहता। आपने अप्लाई किया, सिस्टम से ऑटो चेक हो गया, 5 दिन 10 दिन 1 महीने के बाद ऑटो अप्रूवल हो जाएगा, तो मैं अगर नहीं भी देखूँ इस आपकी एप्लीकेशन को, ये खुद से अप्रूव हो जाएगी। तो इस लेवल तक हम गए हैं। हमने बहुत सारी सर्विसेज आधार बेस्ड की हैं इसी वजह से कि हमारे पास लोगों को नहीं आना पड़े। मैंने ही अपने सिर्फ 6 महीने में जो मुझे डिपार्टमेंट में हो गई, मैंने एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखी अपने कैरियर में। मेरे से पहले भी लोगों ने बहुत किया था इस ऑनलाइन सिस्टम को लेके, हमारे मेरे जितने भी प्रीडेसेसर्स हैं, इन 6 महीने में भी बहुत सारी प्रोग्रेस हो गई ऑनलाइन को लेके। मैंने बहुत हद तक लोगों का फुटफॉल जो है मेरे ऑफिस में रिड्यूस होते देखा है, और इंशाल्लाह आइंदा जब ये सर्विसेज पॉपुलराइज हो जाएंगी लोगों में, उनमें भी थोड़ा वो रुझान आएगा कि नहीं RTO जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है वक्त के साथ साथ लोगों का फुटफॉल जो है RTO में बहुत कम होगा और वक्त भी बहुत कम लगेगा। सर लास्टली देखिए, 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने फॉर एग्जांपल ये इशू फ्लैग किया कि ई चालान का इधर उधर हो जाता है मैसेज, उसकी बेसिक वजह हम ही हैं। ठीक है, अगर मैंने गाड़ी बेची आपको, आपने उसको बेची, उसने उसको बेची, कागज़ों की कभी ट्रांसफ़र हुई नहीं, एक तो ये पहले आपकी सेफ्टी आपकी आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज इस गाड़ी से कल को कोई भी एक्सीडेंट हो, इंश्योरेंस ना हो, क्लेम आपको देनी है जिसके नाम की गाड़ी, तो मेहरबानी करके अपनी गाड़ियाँ अगर
कहीं भेजी है उनको ट्रांसफर।